तो हे गाइस, अगर आप लोग इंडिया में Redmi Note 9 का डिवाइस यूज करते तो MIUI 13 और Android 12 अपडेट को लेके एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आ चुकी है। कब तक ये अपडेट रोल आउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट अभी कुछ यूजर को देखने के लिए मिल चुका है। कहाँ पर देखने के लिए मिला, कहाँ रिलीज किया गया, सब यूजर को कब तक रोल आउट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और न्यूज क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 का डिवाइस यूज करें तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना, ताकि अपडेट आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप लोग को, वीडियो के जरिए आप लोग अपडेट कर पाओगे। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर Redmi Note 9 का अगर आप लोग डिवाइस यूज करते हो तो यहाँ पर आपके डिवाइस का नाम आपको थर्ड बैच की लिस्ट में देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि थर्ड बैच की जो एक लिस्ट निकल के आई सामने, उसमें Redmi Note 9 का नाम देखने के लिए मिलता है। और इनके लिए रोल आउट होने वाले थे MIUI 13 के अपडेट क्वार्टर 2 के दौरान, यानी कि क्वार्टर 2 यानी कि अप्रैल मई जून के आसपास रोल आउट होने वाले थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर रोल आउट हो चुका है Android 12 अपडेट और MIUI 13 का अपडेट Redmi Note 9 के लिए। लेकिन ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग यूजर को रिलीज किया गया, वो भी इंटरनली देखने के लिए मिला। यानी कि यहां पर ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ इंटरनली रोल आउट किए गए टेस्टिंग के लिए। अभी अपडेट फिर सभी यूजर को कब मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि Redmi Note 9 के डिवाइस का नाम आपको थर्ड बैच की लिस्ट में मिल जाता है, जो कि क्वार्टर 2 में रिलीज होने वाला था। अब यहां पर ये क्वार्टर 2 में आपके डिवाइस में शायद चांसेस कम है कि अपडेट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहां पर जो इंटरनली अपडेट रोल आउट किया गया था MIUI 13 का, वो भी Android 12 अपडेट के साथ, उसमें कुछ इश्यूज देखने के लिए मिले हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने के लिए मिले हैं। और यहाँ पर जो थर्ड बैच की लिस्ट बताई गई है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, थर्ड बैच की लिस्ट है जिसमें MI 10 Lite है, Redmi Note 9 Pro है, Redmi Note 9 4G है, यहाँ पर इसके अलावा Redmi 9 Prime का नाम मिलता है, इसके अलावा Redmi Note 11 है, Redmi Note 9 का नाम भी देखने मिलता है जो कि Redmi 10X 4G के नाम से मिलता है चाइना में। तो आपके डिवाइस का नाम यहाँ पर मिल जाता था, क्योंकि 8 मई तक इनको अपडेट रोल आउट हो जाते थे। बट अब इसमें से कुछ ऐसे डिवाइस जिनको अपडेट्स नहीं मिलने वाले, तो Redmi 9 Prime के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, Redmi 9 Power के बारे में मैंने आपको बता दिया, और Redmi Note 9 का भी नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बताया गया 3 ऐसे डिवाइस है जिनको अपडेट थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिलने वाले, यानी कि जो थर्ड बैच की लिस्ट है उसमें इन डिवाइसों का नाम मिलता है, लेकिन इनमें आपको अपडेट मिलने के काफी कम चांसेस है। यानी कि इन तीनों डिवाइस को अपडेट थोड़े से डिले देखने के लिए मिल सकते हैं। तो Redmi Note 9 का डिवाइस अगर आप लोग यूज करते हो तो अब आप लोग को MIUI 13 और Android 12 का अपडेट अगस्त के आसपास मिल सकता है, अगस्त एंड तक वेट करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये जो अपडेट है ये अपडेट का रोल आउट शेड्यूल था, मतलब ये जो यानी कि जो MIUI 13 की थर्ड बैच की लिस्ट थी उनका रोल आउट शेड्यूल था अप्रैल मई जून क्वार्टर 2 का था, यानी कि मई और जून के आसपास आप लोग अपडेट मिलने वाले थे। बट अपडेट में कुछ इश्यूज आ गए, सभी डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर Redmi Note 9 है, बाकी दो डिवाइस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो यहाँ पर Redmi Note 9 के लिए अब जो इश्यूज देखने को मिले इंटरनली अपडेट में, जिसकी वजह से अपडेट को थोड़ा सा डिले करके अभी अपडेट आपको अगस्त में मिलने वाले, तो इंतजार करना पड़ेगा अब आपको MIUI 13 और Android 12 अपडेट के लिए। अगस्त के आसपास आप लोग अपडेट मिल सकते हैं, किसी भी डेट पर किसी भी वीक में अपडेट आ सकता है अगस्त के मंथ का, बट आपको उतना वेट करना पड़ेगा। बाकी गाइस, उससे पहले जो भी सिक्योरिटी अपडेट आएंगे उसके बारे में तो मैं आपको तुरंत वीडियो के जरिए बताता रहूंगा, और उससे पहले काफी सारे सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग वेट करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द आप लोग को एक और सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है, आने वाले समय में और भी अपडेट मिलते रहेंगे, लेकिन यार अब MIUI 13 Android 12 अपडेट के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ न्यूज निकल के आई थी आपके डिवाइस के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आप क्या कर सकते, सिर्फ वेट ही कर सकते, बाकी जैसी सिक्योरिटी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको तुरंत वीडियो के जरिए बताता रहूंगा। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, बड़ा बड़े इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना, ताकि अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चलते रहेगा, अपडेट आप लोग कर पाओगे। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में।